हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारी लाइफ में एक और नया पवाड़ा जुड़ गया है और उस पवाड़े का नाम है ये जो लिया गया फ्रिज। यहाँ देखो यार, एयर टर्बो फ्रिज। यहाँ एक और का लोग कमले हो गया मेरे साथ। हंस हंस के मैं यार ज़मीन पर बैठ गई, इतना मैं हंसी से। इसके लिए ये जो नई इन्वेंशन हुई है आपको दिखाते हैं। ये इन्वेंशन, ये तो भी लड़की पागल हो गई है हंस हंस के। ये दिखाते हैं और ये देखो इसको, मैं इसे आपको अच्छे से दिखाती हूँ। रुको, वो हंसाने का टेका ले लिया गया है। एपिसोड स्टार्ट होता है। ये देखो, सबसे पहले ये फ्रिज है, ठीक है, और इसको अनलॉक करता हुआ ये हमारा छोटा सा डब्बा, ये देख रहे हो डब्बा, ये काली माँ का डब्बा है। ये काली माँ ही है यार। और ये रहा फ्रिज। अब इसे हम करेंगे थोड़ा सा साइड। अभी दिखाते ना, इन्हें थोड़ा सा तो हाथ पता लगाना पड़ा। ये देखो गुर्जा, सेम सेम इसकी हड्डियां पुर्जे। ये हड्डियां पुर्जे तो मैंने कल इन्हें दिखाए थे कि मैंने साफ किया था। ये देखो, ठीक है। अरे इस इंसान ने, ये जो है इस इंसान ने इसे साफ किया था और जिसके बाद से ये बंद ही नहीं हो रहा आज। ये देखो ये इतने, ये इसके अंदर इतने गैप है। ये देखो गैप दिख रहा है आपको, गैस ही है और कितना गंदा है। ये न्यू इन्वेंशन है। अगर आपके हाथ दुखते हो तो आपको इसे बंद करने की जरूरत नहीं है। सामान इसमें आप उठा उठा के फेंक सकते हो बिल्कुल भी। और वेल्डिंग के साथ मिलता है इतनी और ये देखो कितना मजबूत है। और एक और बात, कल इसकी सफाई क्या होगी, इसकी फेविक्विक ही उतर गई और और ये देखो इसका स्विच देखो आप, जो सदियों पुराना विंटेज लुक वाला स्विच है और ये ऑन है तब भी ये फ्रिज नहीं चल रहा। दिखाई नहीं देगी आपको, चल रहा है, ऑन है, ऑफ है, कोई नहीं देख रहे हो आप। क्या किया जाए, अब ये फ्रिज ऐसा ही रहने दे। गोदरेज का एक्सेस, ठीक है, ये आपको पता है ये गोदरेज का एक्सेस है, पर ये कितना पुराना कुछ नहीं पता। ये हिलडुल भी कर रहा है, ये देश की विभाजन के देश के विभाजन के टाइम बना होगा ये। ये देखो कोई जरूरत ही नहीं है देश के विभाजन के टाइम, गाइस ये फ्रिज बना होगा। ये ऐसी ऐसी मोमेंट हो रही है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, मतलब इसको चलो यहाँ से ओपन कर ले सकते हैं, बट ये तो देखो चिपक ही नहीं रहा, इसको चिपकना चाहिए। झुकेगा ये तो कुछ भी नहीं करेगा, कूलिंग कुछ भी नहीं, इसकी लाइट ही नहीं ऑन है, कुछ आवाज ही नहीं दे रहा है। ये खटारा फ्रिज है, ये बुक स्टोर करने का फ्रिज है। यार ये देख प्रिया, इसमें भी और भी कुछ भी है। ये क्या, तो आपको ये बता दें कि हम पागल हो चुके हैं इस फ्रिज को, इस फ्रिज की महिमा देखकर। इतनी बकरी इधर हो जाए, बहन ऑन है, बट पता चले कि हम उड़ते फिरे। अंकल आने वाले हैं, अंकल को फोन किया तो वो कह रहे हैं कि यार सारे पवाड़े तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं। और इसको फ्रिज ऐसे डोर स्टॉपर होता है, ये फ्रिज स्टॉपर हमने रखा है इसके साथ, पता नहीं अब क्या होना है। वैसे तो हम चाह भी नहीं रहे थे कि हमें ये फ्रिज मिले, क्योंकि इसकी शक्ल देख के हमें कुछ गड़बड़ मिल गई थी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर, जो कि ये फ्रिज ऑन तक क्या, कूलिंग तो बड़ी दूर की बात, ऑन ही नहीं हो रहा है, इसकी लाइट ही ऑन नहीं हो रही है। हाँ अंकल कहते तुम्हारे साथ ही इतने पवाड़े क्यों होते हैं, तुम क्या क्या किया तुमने। अभी उन्हें क्या पता कि हमने तो सिर्फ इसे साफ़ किया था और कल ही हमें बोल के गए इसे साफ़ करके अंदर रख लो, साफ़ करके आज हम इसे चलाने लगे थे अंदर, तो चलो हमने रख ही लिया था, अब देखो क्या होता है। और इसके पुर्जों को तो मैंने जो रगड़ रगड़ के साफ़ किया ना, मतलब ये देखो कितने साफ़ हो गए, इतने धूप में चमक रहे हैं ना, पर ये चमकने का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। न्यू फ्रिज आएगा अब, अंकल कह रहे थे एक हफ्ते के बाद देंगे हमें, पहले उन्होंने यही कहा था कि एक हफ्ते के बाद देंगे, फिर एक दिन उसी शाम को ये सरप्राइज़ आ गया
कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये खुल जा सिम सिम वाला फ्रिज है क्या? नहीं मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा अंकल ने क्या देखा। अभी हमें कहते हैं मैं तुम्हारा पूरा चेक करके लेकर आया था, ऐसे कैसे ख़राब हो गया? हमने कहा अंकल आके खुद देख लो कैसे ख़राब हो गया। इसके अंदर ना यहाँ गम लगी होगी, फेविक्विक या फेविकॉल कुछ तो लगा होगा। अब वो चला गया, उड़ गया, देख रहे फंगस, देख रहे आप इसको? ये बंद भी नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा चलो अब अंकल जब आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि उनके और हमारे बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई। तब तक के लिए अंकल जी का अब हम वेट करते हैं, देखते हैं कब पधारते हैं वो। तो ये हमारा फ्रिज जा रहा है, टाटा बाय बाय, टाटा। नया फ्रिज जाएगा अब। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि फ्रिज जा चुका है और आंटी जी अभी भी कुछ बोल ही रहे हैं। खुल गया सिम सिम नीचे। ये देखो फ्रिज कहाँ है, दिख रहा है? अंकल अपनी कार में लेके वापस जा रहे हैं इसे। नीचे वाला दरवाज़ा खुला है। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, कल ना अंकल आया, अंकल ने अपनी साइड से पूरी कोशिश कर ली कि वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें क्या निकला कि एक तार, ठीक है एक तार थी, तो वो तार अंकल ने जोड़ दी, कहते चलो ठीक हो गया तुम्हारा फ्रिज। यार उसने कूलिंग ही नहीं की, कूलिंग ही नहीं, पहले तो उसका दरवाज़ा ही नहीं बंद हुआ। जो फ्रिज का डोर था ना वो बंद ही नहीं हुआ, वो तो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, वो बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे भी ठीक ठाक कर दिया, कहते चलो इससे जुगाड़ हो जाएगा तुम्हारा। फिर हमने रात को ना दूध रख दिया और दूध सुबह फटा, फट गया है दूध। तो जिसकी वजह से हमने सुबह सुबह फ़ोन किया कि अंकल जी प्रॉब्लम होगी एक बार देख लो। अंकल गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर आने का फ़ायदा देखो, गुस्से में आए फ़ायदा ये हुआ, अंकल कहते मैं ले ही जाऊँगा इसे, अभी अपने घर लेके जा रहे हैं। अब मे भी हमें आज या कल में दूसरा फ्रिज आए। अंकल हमें कहते कहते कि तुमने कुछ गड़बड़ किया। यार हमने क्यों गड़बड़ करनी, क्यों हमने क्यों अपने सिर खपाई करनी गड़बड़ करने में। आज नीचे वाले जो है ना मतलब टेनेंट, उनकी वो हो रही है, उनकी खातिरदारी हो रही है, तो वो सो के उठ रहे थे, उठ रहे हैं वो, पता नहीं क्या होना है वहाँ पर। वो तो रही अंकल तभी अपना ये सारा सामान देखो ऐसे छोड़ के चले गए हैं कारकुर, और नीचे नीचे वालों की आज खबर ली जा रही है। अब नया फ्रिज आएगा।